ज़मीन जायदाद की बातें ना करें, क्योंकि कहीं गलती से उनके ऊपर जांच हो गई ज़मीन जायदाद की, बहुत मुश्किल में फंसे। मुख्यमंत्री ने किस पे कार्रवाई की है भाई आज तक? एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपराधियों पे तो कार्रवाई करते नहीं हैं, अधिकारियों पे जो बिहार को अपमानित करने का काम करें उन पे तो कार्रवाई करते नहीं हैं, इनके अपने पार्टी के नेता जो विवादित बयान देते हैं उन पर कार्रवाई करेंगे? मुख्यमंत्री जी के बस में भाई कुछ रहा नहीं है, सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख के ये। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जाने जाते थे भैया कि वो निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, सही गलत डिबेटेबल, पर आज की तारीख में जिस तरीके से वो महज एक कठपुतली बनकर रह गए गठबंधन के हाथों में, भाई उनसे कोई निर्णय अब नहीं होने वाला। चक्कर में पड़ सकते हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। साफ तौर पर जिस तरीके से हाल के दिनों में पशुपति कुमार पारस ने कहा था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी हम हैं, भले ही जमीन जायदाद के उत्तराधिकारी चिराग पासवान हो सकते हैं, इसको लेकर चिराग पासवान ने आज पटना पहुंचते ही अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि जमीन जायदाद की अगर जांच हो गई तो पशुपति कुमार पारस चक्कर में फंस जाएंगे। क्या कह रहे हैं चिराग, पहले सुने। जमीन जायदाद की बातें ना करें, क्योंकि कहीं गलती से उनके ऊपर जांच हो गई ज़मीन जायदाद की, बहुत मुश्किल में फंसे। बयान देते हैं भाई आप सेना पर इस तरीके से एक व्यक्ति का विरोध करने में ये लोग भूल जाते हैं कि आप सेना का आप अपमान कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है भैया सेना को हर बात में घसीटने की? आप कीजिए ना, नीतियों का विरोध कीजिए ना। आप बोलिए भैया इस बार का बजट अच्छा नहीं है, आप बोलिए कि महंगाई बढ़ रही है, इन तमाम बातों को बोलिए जिससे जनता भी सरोकार रखेगी। दिक्कत यही है कि ये लोग ऐसे ऐसे विषयों को उठाते हैं जिससे पहली बात तो जनता का कुछ लेना देना नहीं, और ऊपर से भारतीय सेना जिसकी वजह से आज ये सुरक्षित यहाँ पर सांस ले रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाकर उनको अपमानित कर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये लोग प्रयास करते हैं, और यही चीज़ें बार बार बैकफायर होती है इन लोगों के ऊपर। आज अगर इनकी और ये पार्टी इस परिस्थिति में है, कारण ही यही है कि भैया ये लोग बांटने की राजनीति को जो बढ़ावा देने का ये लोग प्रयास करते हैं, परिणाम चीज़ें बैकफायर होती हैं और इन लोग का ये हर्ष होता है। पूर्व गुलाम रसूल बलियावी ने ही कहा था कि करबला बना देंगे, उसके बाद ये बयान आया है, बाकी लगता है कि किस तरह से वो भाई ये सब फालतू के बयान है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए। भाई ज्वलंत विषयों पर तो इनको बोलना नहीं है ना, बिहार के हालात पर इनको बोलना नहीं है, बिहार बिहारियों से इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, इन लोगों को ऐसी बातों से फ़र्क पड़ता है जिससे इनकी राजनीति चमके, चार दिन खबरों में बने रहने के लिए ऐसी बातें बोलेंगे। कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पे। मुख्यमंत्री ने किस पे कार्रवाई की है भाई आज तक? एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपराधियों पे तो कार्रवाई करते नहीं हैं, अधिकारियों पे जो बिहार को अपमानित करने का काम करें उन पे तो कार्रवाई करते नहीं हैं, इनके अपने पार्टी के नेता जो विवादित बयान देते हैं उन पर कार्रवाई करेंगे? मुख्यमंत्री जी के बस में भाई कुछ रहा नहीं है, सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख के ये। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जाने जाते थे भैया कि वो निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, सही गलत डिबेटेबल, पर आज की तारीख में जिस तरीके से वो महज एक कठपुतली बनकर रह गए गठबंधन के हाथों में, भाई उनसे कोई निर्णय अब नहीं होने वाला। साफ तौर पर चिराग पासवान ने ये साफ साफ कह दिया है कि अगर जमीन जायदाद की जांच हो गई तो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस चक्कर में फंस जाएंगे। वहीं गुलाम रसूल बलियावी ने जिस तरीके से सेना को लेकर बयान दिया था कि सेना में मुसलमानों को 30% आरक्षण मिले, इसको लेकर भी चिराग पासवान जमकर गुलाम रसूल बलियावी और जनता दल यूनाइटेड पर पूरी तरह से बरसे हैं। अब देखना होगा कि भले ही चिराग पासवान ने अपने चाचा को चेतावनी दे दी है, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस किस तरह से चिराग पासवान के इस बयान को देखते हैं और उनका क्या कुछ बयान सामने निकल के आता है, ये इन तमाम चीज़ों पर नज़र ज़रूर रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एस जी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एस जी न्यूज़।